तो हेलो गाइस, तो यार आज के एक और नए गेम प्ले के साथ वापस और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। मज़े में रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। और इस गेम प्ले में हम उतर चुके हैं मिल्टा में, और यहाँ पर एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ मैं उतरता हूँ और मुझे उतरते ही यूज़ी मिल जाती है। अब यहाँ से यूज़ी उठाने के बाद मैं सामने वाले डबल स्टोरी में घुस जाता हूँ जाके। यहाँ पर एक बंदा था और उसको मिल चुकी थी उजी प्लस AKM, और वो TVP ले रहा था, लेकिन मैंने कोई भी गलती ना करते हुए उसको आसानी से भर दिया। ये बंदा मारा गया बहुत ही आसानी के साथ। अब मैं इससे AKM लूटने के बाद सीधे छत पे जाता हूँ, और मुझे दूसरी साइड एक बंदा छत पे दिखाई देता है। पूरा AKM का स्प्रे मैंने उतार दिया था, लेकिन वो बंदा सिर्फ डैमेज हुआ था, और मुझे पता था कि इस वक्त उसकी हेल्थ बहुत ही कम होगी, इसलिए मैंने सीधे उस पर रश कर दिया। इस बंदे के पास M16 थी और ये TVP ले रहा था बाउंड्री के पास। मैं अंदर जाता हूँ लेकिन ये बाहर होता, मुझे इसका स्टेप आता है और मैं इसे रगड़ देता हूँ पकड़ के। अब इस बंदे को मारने के बाद मैं जैसे ही इसको लूटता हूँ, तभी यहाँ पे एक बॉट की एंट्री होती है, और इस बॉट को भी मैंने मार दिया था। अब मुझे यहाँ से ज़रा मैं व्यू लेता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, तो बीच मिल्टा में मुझे बंदा दिखाई देता है। तभी अब मैंने इस बॉट को तो मार दिया था, लेकिन ये जो सामने लाल वाला घर है, इसके टॉप पे एक बंदा था। इसको मारने के लिए मैं आ जाता हूँ इस डबल स्टोरी की छत पे, लेकिन मुझे पीछे एक बंदा दिखाई देता है। स्प्रे देता हूँ मैं उस पर, लेकिन यार स्प्रे कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल होता है। अब इस बंदे पे मैंने दोबारा स्प्रे दिया और उसको लपेट दिया मैंने। फिर ये पीछे वाला बंदा जो मुझे BSS से मार रहा था, इसकी बारी। मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी से चल रहा था कि डैमेज दो और कवर में आओ, लेकिन डैमेज तो दिया ही नहीं यार। तभी मैं घूम के उस पार चला जाता हूँ जीने के लेफ्ट साइड में। अब यहाँ से मैं रगड़ा लगा लगा कर आ जाता हूँ घूमकर उस साइड, क्योंकि इस बंदे को मैं नहीं चाहता था कि इसको पता चले कि मैं इस तरफ आ चुका हूँ। तभी मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ। अब मैंने इस बंदे को भर दिया यहाँ पर, लेकिन मेरे पिलने के चांस ज़्यादा थे। अगर उसके पास हाई डैमेज गन होती या फिर वो BSS सही से कनेक्ट कर पाता, तो मैं मारा जा सकता था आसानी से। यहीं पे मुझे ये बॉट मतलब भागता हुआ नज़र आया जब मैं यहाँ से जा रहा था। तभी पीछे से गन का मार्क आता है, गोली चलने की आवाज़ आती है, और मैं यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ। ये बंदे का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ जब तक ये निकलता नहीं है। बहुत देर तक मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, हालांकि मैंने थोड़ा सा मतलब कट कर दिया यहाँ पे। अब ये बंदा यहाँ से निकलेगा और बिल्कुल खुले मैदान में घूमते हुए निकलेगा। अगर आप कभी सोलो खेलिए तो हमेशा चौकन्ने रहिए, कहीं से भी कभी भी पड़ सकती है, और सोलो में जो कैंपिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि गेम में भाई सब जायज होता है। लोग कहते हैं कि हम रश करके खेलते हैं, भाई खेलते क्यों, हमने थोड़ी ना कहा रश करके खेलो, जैसे मर्जी हो वैसे खेलो, और जितनी ज़्यादा कैंपिंग कर मिले उतनी ज़्यादा कैंपिंग करने की ट्राई करो, मैच निकालने की ट्राई करो, KD अपने आप मेंटेन हो जाएगी और रैंक भी पुश हो जाएगी। और अब मैं आ चुका था यहाँ स्कूल में, मुझे यहाँ बंदे दिखाई देते हैं सामने। अब वहाँ पे एक बंदा था, उसको US वाले ने मार दिया था, लेकिन मैंने इसको डैमेज कर दिया था बहुत ज़्यादा। अब ये US से निकल के भाग रहा था सेक की ओर, तभी मैंने उसको फेल दिया। अब यहाँ पर और भी बंदे दो लड़ रहे थे, एक तो मतलब RP वाला ही बंदा था। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ,
तो ऐसे ही एक बंदा यहाँ पे आता है सरप्राइज मदरफकर वाला सीन करने के लिए। मैंने इनका सरप्राइज मदरफकर कर दिया। अब सामने एक बंदा था, मैंने अपनी बैरल ऐसे ही खुलेआम छोड़ दी और वो खुद ही लपट गया भाई। कुछ करना भी नहीं पड़ा, तभी मैं अपनी दासियाँ लेके यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। लेकिन मैं बाद में यहाँ पर घूम कर फिर आता हूँ, क्योंकि यशनाया में वो अपार्टमेंट में बंदा था एक, जो कि ये फूटी हुई यूएसए जाने की ट्राई कर रहा था। अब मैंने इसकी गाड़ी फोड़ दी थी और मेरी भी अब निकलने की बारी आ गई थी। भागने का मुझ पे थोड़े थोड़े शॉट्स आ रहे थे कहीं पे, तभी मैंने डाक इधर उधर धैजिकल धैजिकल करके निकाल ली। अब मैं सामने आ गया था ये ड्रॉप को लूटने। जैसे ही मैं ड्रॉप को लूट ही रहा था, और पीछे जो कंपाउंड थे राइट साइड में, वहीं से मुझ पे फायर आता है। लेकिन वो ठीक ठाक फायर नहीं था, वो बंदा मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने नहीं ट्राई किया ये। वो बंदा मुझ पे मतलब फायर ना कर सके, इसीलिए मैंने अपना फायर उस पर खोल दिया। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया था स्मोक करके। अब ये बंदा यहाँ अंदर था बैठा। मैंने उस पर नेट मारा, अब बंदा बूम। तभी मैं अपनी दासियाँ लेके यहाँ से निकला, और उसी जगह से जहाँ पे मैंने उस बंदे को नेट से मारा था, उसी जगह से बंदे ने फायर किया और उसने मुझको खुद इनविटेशन भेजा। मुझे लगा था कि वो बंदा वॉच टावर में है, इसलिए मैंने ये बाउंड्री पास गाड़ी रोकी और मैंने सोचा आराम से मारेंगे उतर के। तभी फायर आया मुझ पर, कवर किया मैंने, इंतज़ार किया, और ये भाई साहब खुले में आके पिट गए। तो गेम प्ले अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़रूर कर देना यार, लोड़े लगे पड़े हैं।